Welcome to my YouTube channel, Dear Javed Sir. Learn English grammar and English speaking in very short time but perfect. In very short time but perfect, कम से कम time में और perfect, बराबर में, खरूने. जो बराबर में है, खरूने है, ये जो बोला, इसे English में question tag कहते हैं. और इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरी videos को like कीजिए, share कीजिए, channel को subscribe कीजिए, क्योंकि बहुत useful है. आइए देखें. He is a doctor. तो इसका question tag होगा is he, नहीं होगा क्योंकि ये positive है. तो यहां पर याद रखिएगा, अगर sentence हकार में हो तो question tag नकार में बनेगा, और अगर sentence नकार में हो तो question tag हकार में बनेगा. मतलब positive में का negative होगा और negative का positive होगा. He is a doctor. तो isn't he question mark आएगा, ये ध्यान रखिएगा. और isn't is not का शॉर्ट फॉर्म है. क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है. अगर ये सेंटेंस नकार में होता, नेगेटिव है, तो क्या होता देखें. ही इज नॉट ए डॉक्टर. तो इज ही. आई एम ए टीचर. तो इस पॉजिटिव में है सेंटेंस, तो एम एंड आई नहीं होगा. यहां पर आर एंड आई होता है या ए आई एन एपोस्ट्रोफी टी ऐसा होता है. और अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में हो तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा एम आई क्वेश्चन. यहां पर आपने देखा इज एम और वॉज वे जैसे शब्द जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अगर वो न हो तो सादे वर्तमान काल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे होगा. आइए. आई प्ले क्रिकेट. ये वाक्य पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में. डोंट आई. यहां पर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब इज वॉज नहीं है, तो यहां पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे. डोंट आई. यह सेंटेंस नेगेटिव में है. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो डू आई बनेगा. शी सीज ए मूवी, तो डजंट शी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, और हकार में है तो नकार बनेगा. इस तरह यह नेगेटिव सेंटेंस है. शी डज नॉट सी ए मूवी, तो डज सी क्वेश्चन टैग होगा. यह नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में बना. इस तरह सिंपल पास्ट टेंस. आई प्लेड क्रिकेट, तो डिडंट आई, क्योंकि ये पास्ट टेंस में डिड आएगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिडंट आई. इस तरह यह नेगेटिव सेंटेंस. आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो डिड आई क्वेश्चन टैग होगा. इस तरह हम खास ध्यान रखेंगे हकार का नकार और नकार का हकार बनाएंगे और फिर क्वेश्चन टैग यूज करेंगे. आइए देखें भविष्य काल में किस तरह. सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल या विल होगा, लेकिन इसका नेगेटिव शैलंट शैल नॉट नहीं होगा. एस एच ए एन एपोस्ट्रोफी टी होगा, ये याद रखिए. इस तरह विल का विलंट नहीं होगा, डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी होगा. पॉइंट. आइए देखें सेंटेंस में. आई शैल ड्रिंक टी, तो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में स्थान टाइप. इस तरह आई शैल नॉट ड्रिंक टी नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में शैल आई. यू विल वॉक फास्ट, पॉजिटिव में है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यू. इस तरह यू विल नॉट वॉक फास्ट, तो पॉजिटिव में होगा विल यू. आइए वीडियो के अंत में क्वेश्चन टैग का शॉर्ट फॉर्म का चार्ट देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपको बहुत यूजफुल होगा. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं की हो तो. गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस फ्यूचर.